स्टडी वीजा के मुद्दे से मैं बनागा थोड़ी आवाज कंसल्टेंट पूछांगे सीधे सवाल ते तुहानू मिलणगे थोड़े सवालों के जवाब। सत श्री अकाल, स्वागत है जी सारे का। तुसी सारे ने सुनिया होया कि कोर्स सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ते कई बारी कोर्स सिलेक्शन सही तरीके नाल ना करन ते स्टूडेंट नूं रिफ्यूजल का सामना भी करना पैंदा, खास करके कैनेडा वास्ते। कैनेडा बहुत स्ट्रिक्ट है, कोर्स थोड़ा प्रॉपर मैच करना चाहिए, प्रोग्रेशन च होना चाहिए। सो ये सारिया चीज़ों का ध्यान स्टूडेंट किस तरीके नाल रख सकते हैं, सो अज जानने की कोशिश करा नॉन मैडिकल दे स्टूडेंट्स वास्ते पर्टिकुलरली कि वह कोर्स सिलेक्शन किस तरीके करस ने उन्हों वास्ते जेडे प्रॉपर ने, मैचिंग ने, प्रोग्रेशन च ने। सो सब तो पहला मैं स्वागत करना साढ़े अज के गैसट ब्रॉडवे इमीग्रेसन के सीनियर कंसल्टेंट जगप्रीत सिंह जी, स्वागत है जी। थैंक यू दीपक जी। जगप्रीत जी, नॉन मैडिकल वाले स्टूडेंट की आप गल इस करके कर रहे हैं क्योंकि पंजाब मेजर तीन चार स्ट्रीम्स ही चल रही हैं, आर्ट्स, मैडिकल, नॉन मैडिकल, कॉमर्स। सो नॉन मैडिकल एक बहुत बड़ा पार्ट है जो स्टूडेंट्स आते हैं, खास करके प्लस टू के। कोर्स सिलेक्शन वेले कैडिया गल्लां दा ध्यान रखन के वह सारे क्राइटेरियाज फुलफिल होण, उन्हां दा कोर्स मैचिंग भी होवे ते वह प्रोग्रेशन च भी होवे। एबसोल्यूटली दीपक जी, जिवें तुसीं दस्या कि पंजाब दे विच नॉर्मली आपां गल करिए तां चार मेजर ट्रेड्स बहुत ज़्यादा इनवॉल्व रहिंदियां ने, जिहदे विच मैडिकल, नॉन मैडिकल, कमर्स एंड आर्ट्स। इन्हां चारां ट्रेड्स दे स्टूडेंट्स दे विच जिहड़ी मेजर रेशो आपां देखदे हां उह देखदे हां जी नॉन मैडिकल स्टूडेंट्स दी, और उह दोनों लैवल्स दे उत्ते देखदे हां, ईवन उह स्टूडेंट प्लस टू ने या उह स्टूडेंट्स ग्रैजुएट्स ने। अगर नॉन मैडिकल स्टूडेंट्स की गल करिए तां इहदे विच वी आपां नूं बहुत डिस्टिंक्ट प्रोफाइल्स देखण नूं मिलदे आ। कुछ स्टूडेंट्स 10 प्लस 2 नॉन मैडिकल ने, कुछ उहदे नाल विद बायो एडिशनल भी आउंदे ने। इस तो बाद फरदर ग्रैजुएट लैवल दे उत्ते गल करिए तां कंप्यूटर एप्लीकेशन दे, कंप्यूटर साइंस दे, बीएससी नॉन मैडिकल, बीएससी आईटी दे, बीटेक दीयां बहुत सारे ट्रेड्स दे स्टूडेंट इहदे च इनवॉल्वड रहिंदे। मैं चाहुंदा तुसीं जिहड़ी गाइडेंस देनी है, तुसीं सब तो पहला प्लस 2 वालिआं नूं जरूर दिओ गाइडेंस, क्योंकि प्राइमरीली मैनूं लगदा नॉन मैडिकल च वी मेजर चंक प्लस 2 वालिआं दा। बिल्कुल दीपक जी, एट प्रेजेंट जो करंट आपां सिचुएशन देख रहे हैं इहदे विच मैक्सिमम जिहड़ा स्टूडेंट माइग्रेट कर रहा वो 10 प्लस 2 लैवल का ही है, और वो मैक्सिमम स्टूडेंट नॉन मैडिकल है, क्योंकि आर्ट्स वाले स्टूडेंट कई बार ग्रेजुएशन तो बाद अप्लाई करते हैं। हैल्थ केयर च वैसे ही मैडिकल स्टूडेंट्स घट होंगे ने, एंड कंपैरेटिवली सैकेंड ब्रांच देखिए तो कमर्स स्टूडेंट की आती है। हुण जो नॉन मैडिकल स्टूडेंट की आप दीपक जी गल करनी है, ये सब तो इंपॉर्टेंट जी चीज़ है कोर्स सिलेक्ट कर लगे। देखो कोर्स आपां रेलेवेंट चाहिए, सिमिलर ट्रेड का चाहिए। दिस मीनस कोई नॉन मैडिकल स्टूडेंट है तो इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स जा सकता है, आई टी जा सकता है, कंप्यूटर्स एप्लीकेशन डिजाइनिंग, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिवेलपर्स, बहुत सारे इदा के प्रोग्राम्स ने उद्देश अपलाई कर सकता है, जेडे कि अंडर ग्रैजुएट लैवल से ने, डिप्लोमास ने, एडवांस डिप्लोमा ने या डिग्री प्रोग्राम्स ने। बट जो भी स्टूडेंट देखो ये ना तो प्रोग्राम्स बहुत ज़्यादा रेलीवेंट मिलने, हर एक ट्रेड न लैके नॉन मैडिकल ना रेलीवेंसी बिठा पाओगे। बट नॉन मैडिकल वाले वास्तव मतलब बहुत वड्डा स्कोप हुंदा जी, बट इहदे विच एक बहुत माइन्यूट जी क्वेरी हुंदी है जिन्हों कई बार स्टूडेंट्स इग्नोर करते हैं और कंसल्टेंट्स उन्हों निगलैक्ट करते हैं। उहदे विच हुण जदों तुसीं नॉन मैडिकल स्टूडेंट देखते हो तो इहदे विच मेजरली तीन सबजैक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथेमैटिक्स। यह तिना दे विचों मैथेमैटिक्स इन्ना क क्रूशियल रोल प्ले करता है क्योंकि कैनेडा दे 70% प्रोग्राम्स दे विच मैथेमैटिक्स इनवॉल्वड है, चाहे वह हैल्थ केयर दे है, चाहे वह नॉन मैडिकल प्योर है, चाहे ईवन कमर्स के भी प्रोग्राम्स जिहड़े ने उन्हां च भी कई जगह पर मैथेमैटिक्स है। सो नॉन मैडिकल स्टूडेंट जदों भी अपना कोर्स सिलेक्ट करता है उहदी रेलीवेंसी हर एक कोर्स के लिए है, इंजीनियरिंग तो लैके ग्राफिक डिजाइनिंग तक, उहदे च चाहे वह एप्लीकेशन डिवेलपमेंट जा रहा, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस जा रहा, सॉफ्टवेयर डिवेलपमेंट जा रहा, टैक्नीशियन जा रहा, हार्डवेयर टैक्नीशियन जा रहा, नैटवर्किंग जा रहा, किसी भी जा रहा, प्रोग्राम उहदे लई रेलीवेंट है। बट सिलेक्ट करन लग्या मैथेमैटिक्स की रिक्वायरमेंट जरूर चैक करें, ओवरऑल परसेंटेज 65% हो सकती है, 7 बैंड ओवरऑल हो सकते हैं, बट अगर तुहाडे मैथेमैटिक्स के नंबर 40% है तो फिर उस प्रोग्राम की सिलेक्शन उसकी क्रेडिबिलिटी के उत्ते होनी चाहिए है। दीपक जी, तुसी कई बार रिफ्यूजल्स नोट करते हो गए जिदे विच उन्हें ने लिखा होंगे दैट यू सीम्स नॉट टू बी अ बोनाफाइड स्टूडेंट टू सक्सैसफुली कंप्लीट दिस प्रोग्राम इन कैनेडा,
राइट। सो नॉन मैडिकल स्टूडेंट्स खास तौर पर मैथेमैटिक्स के स्कोरस नू लैके प्रोग्राम की सिलैक्शन जरूर करन। ज़्यादा जिहड़ा हाई अकैडमिक क्रेडिबिलिटी प्रोग्राम है, अगर थोड़े मैथ्स के मार्क्स घट ने तो उन्हें ऑप्ट नहीं करना चाहिए, फिर वो अल्टरनेट ट्रेड्स के जिहड़ा एप्लीकेशन प्रोसीड करना चाहिए। जी हूँ गल करा ग्रैजुएट स्टूडेंट्स वास्ते भी जो नॉन मैडिकल ग्रैजुएट स्टूडेंट्स एक गल्लां बहुत ध्यान सुनो क्योंकि पंजाब बहुत घट कंसल्टेंट ने जिहड़े इस विषय से इन डैप्थ थोनू इन्नी डिटेल दे विच समझा सकते हैं, पर विशा इन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इहदे च कोई गलती थोड़े वीज़ा की जगह रिफ्यूजल लिया सकती है। जी जगप्रीत जी, फिर जिहड़े स्टूडेंट बीएससी नॉन मैडिकल दे ने उन्हां वास्ते की पॉसिबिलिटीज़ होंदियां ते किहड़े ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਸਟੇਕਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੋਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਸਾਇੰਸ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ, ਦੈਨ ਬੀਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਸਿਵਲ, ਆਈਟੀ, ਕੰਪਿਊਟਰਸ, इलैक्ट्रॉनिक, इलैक्ट्रिकल, बहुत सारिया ट्रेड्स ये इनवॉल्व रहिंदियां ने, और एक स्पैशलाइज्ड एक स्पैसीफिक ट्रेड आती है जी बीएससी नॉन मैडिकल। जो तुम बीएससी आईटी की गल करोगे तो इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम तुहानू मिलणगे, बीएससी कंप्यूटर साइंस की गल करोगे तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के ओरिएंटेड प्रोग्राम्स तुहानू मिल सकते हैं। उस तो बाद बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन करो तो एप्लीकेशन डिवेलपमेंट के बहुत स्पैसीफिक प्रोग्राम्स जिहड़े ने कैनेडा च ग्रैजुएट डिप्लोमा लैवल्स के उत्ते अवेलेबल ने। बीटेक वाले स्टूडेंट्स के लिए सिमिलर ट्रेड के भी प्रोग्राम मिलते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी जाते हैं। बट हुण जो गल आती है बीएससी नॉन मैडिकल की, जिन्हें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथेमैटिक्स पढ़िया, 3 साल की डिग्री है। जो आप कैनेडा दे विच दीपक जी फुली मास्टर्स प्रोग्राम लभण की कोशिश करते हैं तो उत्थे फिर ना रिक्वायरमेंट आती है 4 ईयर बैचलर डिग्री, या कुछ ग्रैजुएट डिप्लोमास भी इदा के होंगे ने जिहड़े कि टैक्नोलॉजी बेस्ड होंगे, इंजीनियरिंग बेस्ड होंगे ने, उहदे च भी रिक्वायरमेंट 4 ईयर डिग्री है। सो बीएससी नॉन मैडिकल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथेमैटिक्स पढ़िया, रेगूलर सबजैक्ट पढ़े ने, सो उन्होंने की करना चाहिए उन्होंने लिए फिर प्रोग्राम्स कुछ स्पैसीफिकली रिलेटिड, अगर तुम एडिशनल कंप्यूटर्स पढ़िया तो वह जा सकते हो, स्पैशली अगर थोड़ा 2-3 साल का गैप है तो तुम एक वैल टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन लैके प्रोग्रामिंग दिखा के या एक्सपीरियंस लैके तुम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जा सकते हो। सो उत्थे जाके प्रोग्राम की स्पैसीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूरी डिग्री के दोबारा फिर मैथमैटिक्स पढ़िया होंगे। सो ट्रेड के अकॉर्डिंगली नॉन मैडिकल के बहुत सारे न्यूमरस प्रोग्राम्स अपने को अवेलेबल है। हुण गलती कित्थे करते दीपक जी, इत्थे आके की गलती होंदी है? नॉर्मली जदों आपां ग्रैजुएशन तो बाद नॉन मैडिकल रिलेटेड प्रोग्राम्स के अप्लाई करते हैं तो उन्हों की रिक्वायरमेंट रहती है जी 6.5 ओवरऑल, नॉट लैस दैन 6। कोई कॉलेज किसी प्रोग्राम एक तो 5.5 लेंदा, वो भी स्पीकिंग या लिसनिंग लैके। बट मोस्टली दीपक जी मैं देखता कि स्टूडेंट कई बार ना आयल्स नू अचीव नहीं कर पाते, वो फिर अंडर ग्रैजुएट लैवल प्रोग्राम अप्लाई कर लेंगे। वो प्रोग्राम होंदा तो उन्होंने ट्रेड का ही है, रेलेवेंट भी कह लो, सिमिलर भी कह लो, बट उसी कोई अकैडमिक प्रोग्रेशन नहीं दिखा पाते। सो यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं, राइट। सो ये जिते आयल्स की गल आ गई, जिते कंपनसेशन आ गया, उत्थे जरूर इंप्रूव करन। एक चीज़ मैं दीपक जी इतने होर ऐड ऑन करनी चाहूँगा, मैं थोड़ा समा थोड़ा ज़्यादा लै रहा बट मैं एक चीज़ जरूर ऐड करनी चाहूँगा बीटेक स्टूडेंट्स के लिए स्पैशली। मैं देखिया दीपक जी बीटेक करन तो बाद स्टूडेंट ना अपने रेलेवेंट ट्रेड च घट जाते हैं जिहड़ा उन्होंने किया, या वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से जाते हैं, या मैं कई स्टूडेंट्स देखे ने जिहड़े MBA करन जाते हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स का इंट्रस्ट होंदा है कि मैं थोड़ा जिहा एडमिनिस्ट्रेटिव सैक्शन से जाना है, तो उन्होंने लिए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जिहड़ा प्रोग्राम है वह वैलिड नहीं है, उन्होंने वो कर सकते हैं मास्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसिज, जिहदे चो टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स नू स्टडी कर सकते हैं, और ये प्रोग्राम्स बिल्कुल टैक्नीकल बेस्ड के उत्ते थोड़ियां एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज नू लैके, रिस्पोंसिबिलिटीज़ नू लैके बेस्ड होंगे। सो इस तरीके नाल अपनी प्रोग्राम की सिलेक्शन है। नो डाउट नॉन मैडिकल स्टूडेंट्स के लिए स्पैक्ट्रम बहुत ब्रॉड है कंपैरेटिवली बाकी ट्रेड के, बट ये सबजैक्ट ओरिएंटेड अप्रोच जी है यह बहुत जरूरी है जी। सो स्टूडेंट्स आज का शो थोड़ा जहा डिफरेंट है, ये समझ के देखने वाला शो है, चाहे तुसी इसे रिपीट भी देख लो, पर ये जो इनफॉरमेशन है उन्हें फाइल लगाने तो पहले अप्लाई जरूर करो। तो मैं तो यह भी कहूँगा जो थोड़ा कोई दोस्त नॉन मैडिकल का है उन्हें हजे फाइल लगानी है, वो शेयर भी जरूर करो। धन्यवाद। थैंक यू जी। स्टडी वीजा के मुद्दे पर मैं बढ़ागा
ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ।